हम संध्या ना मैम, अभी हम संध्या से पूछने वाले क्योंकि ये यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और पिछले एक साल से यहाँ पे पढ़ रही है। पिछले एक साल से आप पढ़ रही हो, तो यहाँ पे आप आए कैसे पढ़ने के लिए? यहाँ पे आए कैसे पढ़ने के लिए? मेरे किन के थ्रू आए, कैसे आए यहाँ, इस कोचिंग में कैसे पढ़ने आए? भैया की वजह से। भैया की वजह से? भैया क्या ऐसा क्या भैया का हुआ जो आप यहाँ पे? भैया का परसेंटेज बहुत अच्छा था और घर वाले को भी ये परसेंटेज अच्छा लगा, तो मम्मी पापा भी बोले कि हाँ ये भैया को आया है तो आप भी ट्राई करो जाके सर से। और इस कोचिंग में सिद्धार्थ सर के यहाँ शिक्षालय में पढ़ने जाओ? हाँ। और क्या यहाँ पे जैसे भैया का परसेंटेज बढ़िया आया और आप यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो आपको क्या लगा कि आपका भी परसेंटेज बढ़िया आएगा? हाँ, क्योंकि भैया बोले थे उनसे एक डेमो लेके देखो, अपने आप सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि पढ़ सकते हैं या नहीं। तो आने के बाद क्या लगा, यहाँ पे सब कुछ ऐसा रहा अच्छा जैसा क्या थे वैसा आपको मिला? यहाँ उम्मीद से ज़्यादा मिला, जो कि यहाँ सिर्फ नॉलेज के लिए आए थे, नॉलेज से पढ़ के सर बहुत कुछ बताए और बहुत कुछ सिखाए और सर हर चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी हम संध्या से बातचीत कर रहे हैं और थोड़ा सा जैसे कि थोड़ा सा हमने सुना है कि लड़कियां का ना मैथ थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो हम इनसे बात करते हैं कि इनका कौन सा कमज़ोर है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा बढ़िया है? जी, मेरा भी मैथ ही कमज़ोर है, लेकिन सर से मिलने के बाद पता चला कि हाँ मैथ भी स्ट्रॉन्ग हो सकता। पहले सोचते थे मैथ नहीं हो पाएगा, पर सर से मिलने के बाद पता चला कि मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बहुत बढ़िया हो सकता है और सर उस तरीके से पढ़ाए और बहुत अभी बेटर, बहुत अच्छा है, बेटर से भी गुड है। बस हम ये नहीं कह रहे कि सभी लड़कियां का मैथ कमज़ोर होता है, बस हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमने सुना है कि कमज़ोर होता है, इसीलिए हम इसे पूछ लिए। और सबसे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। साइंस बढ़िया है, चल रहा है सब कुछ बढ़िया से? हाँ। टीचर लोग बढ़िया से पढ़ा रहे हैं? हाँ। टीचर लोग का बिहेवियर बढ़िया लग रहा है? हाँ। सारे सब्जेक्ट के टीचर है और सारे टीचर एकदम फ्रेंडली पढ़ाते हैं। पर गौतम सर इज बेस्ट। गौतम सर और भी सर तो होंगे जो सारे ऑल टीचर मतलब ऑल सब्जेक्ट के गौतम टीचर सर ही बेस्ट क्यों, हम ये जानना चाह रहे हैं। वो फ्रेंडली पढ़ाते हैं, वो ऐसा नहीं कहते हैं कि हाँ किताब ही पढ़ो और पढ़ते ही रहो, कहते हैं कि पढ़ाई टाइम पढ़ाई करो उसके बाद मस्ती करो। अच्छा,